हेलो एवरीवन। तो अभी जो है स्वास्थ्य विभाग में, रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 211 पदों की भर्ती के लिए आवेदन जो है मंगाया गया है। ये एग्ज़ाम जो है डायरेक्टली आपके कॉलेज परसेंटेज के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा इसमें। तो कैसे कैसे होगा, कितना पोस्ट किस में निकला हुआ है, सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो कि मैं खुद इस स्वास्थ्य विभाग में जुड़ा हुआ हूँ, तो कैसे सिलेक्शन हुआ था मेरा, किस तरह आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, पूरा डिटेल बताऊँगा। अगर आप जो है मेडिकल फील्ड से नहीं है तो भी आपका इसमें आपके लिए कौन सी वैकेंसी है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कई लोग जो है कंप्यूटर किए हुए हैं, पीजीडीसी है, कोई ग्रेजुएशन करके रखा है, बीसीए वाला है, या कोई ट्वेल्थ भी पढ़ा है, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है डीसीए पीजीडीसी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक ने किसी ने कमेंट किया था कि मैं ट्वेल्थ पास हूँ और मेरे पास कंप्यूटर की डिग्री, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है, कि इसमें एग्ज़ाम होगा ये होगा, आपको आपके स्किल टेस्ट बस लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिटेल बता देता हूँ, ये रायगढ़ का निकला है स्वास्थ्य विभाग में, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, जो कि ये संविदा भर्ती है, कोई रेगुलर भर्ती नहीं। मैं पहले यही बता दूँ कि ये रेगुलर भर्ती नहीं, सिर्फ ये संविदा भर्ती है, संविदा, ठीक है। तो आपको आवेदन जो है देखिए 2 जुलाई से आ चुका है, लास्ट आपको स्पीड पोस्ट, कोई ऑनलाइन नहीं है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 16 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक जो है वो कहाँ सेंड करना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवानपुर जिंदल रोड रायगढ़ जिला राजनांदगांव के पते पे आपको इसको सेंड करना है। पूरी जानकारी बताऊंगा कैसे फॉर्म को भी भरा जाता है कि बिना किसी अपात्र हुए, मैंने खुद इसको भरा बिना अपात्र के, सही ढंग से आप इसको अप्लाई करेंगे ताकि आप एक का सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले ये देख लीजिए 5 बजे तक टाइम है, 16 जुलाई तक। पहला पोस्ट क्या लिखा है, सेकंड एनएम एनएचएम विभाग में एनएम का जो पोस्ट होता है उसके लिए 12th पास रखा गया और एनएम का पास होना जरूरी है और इंडियन नेशनल काउंसलिंग में आपका क्या है पंजीयन होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी, ठीक है। इसकी सैलरी जो है 12,000 रुपये रखा गया। नर्सिंग ऑफिसर टोटल 10 पोस्ट है, जैसे इसमें कितना एनएम में 2 पोस्ट है जिसमें से रिजर्व रखा गया है, एसटी एससी और ओबीसी के लिए रिजर्व है, ठीक है, यूआर के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो जो ओबीसी और एससी में आते हैं वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह नर्सिंग ऑफिसर में टोटल 10 पोस्ट है रिजर्व कर दिया गया है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए और एसटी के लिए, तो टोटल 10 पोस्ट है। इसमें बीएससी नर्सिंग और जेएनएम वाले जो पास हो चुके हैं वही ही अप्लाई करेंगे, याद रखना है, जो फाइनल ईयर में है चाहे बीएससी नर्सिंग हो या जेएनएम हो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 16,500 की इसकी सैलरी है। ओटी टेक्नीशियन जो कि इसके लिए जीव विज्ञान रसायन और ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल का कोर्स होना जरूरी है, एक पोस्ट है लेकिन वो एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है, एसटी वाले वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एमओ है मेडिकल ऑफिसर होता है आयुष विभाग में मेल, इसके लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए रिजर्व रखा गया, 25,000 इसकी सैलरी है। एमओ आयुष, आयुष जो आपका आयुष्मान रहता है, ठीक है, आयुष्मान नहीं है, आयुष विभाग अलग होता है, अब वहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर का आयुष होता है, आयुर्विज्ञान बोलते हैं ना वही है। तो इसके लिए फीमेल के लिए 4 पोस्ट है, जो एक पोस्ट यूआर के लिए रिजर्व है और 3 पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है, 25,000 इसकी भी सैलरी है। एनएम, ये जैसे आपने देखा कि ऊपर में एनएम लिखा है वो एनएचएम लिखा है, नेशनल हेल्थ मिशन, ये आरबीएस के टीम के लिए होता है एनएम, जिसमें एक ही 2 पोस्ट है यूआर को बीसी के लिए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं अप्लाई, एनएम है, पास रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट का एक ही पोस्ट यूआर के लिए 15,000 की इसकी सैलरी, इसमें क्या क्या मंगा है वो आपको, क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी, क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट निकाला गया है, देख सकते हैं, डेंटल असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट है, ठीक है, ये सारा कोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे स्टाफ नर्स, एनआरसी के लिए स्टाफ नर्स देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कोर्स होना जरूरी है, या कई लोग पोस्ट बेसिक क्या था, पोस्ट बेसिक नर्सिंग सबसे बड़ा इस फील्ड में वो होता है, मास्टर डिग्री होता है, तो अगर वो है तो बिल्कुल आप इस सबको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिटिंग डेमोन्स्ट्रेटर एनआरसी, ये बीएससी होम साइंस वाली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और स्टाफ नर्स एसएनसीयू सीयू के लिए बीएससी नर्सिंग जेएनएम कोर्स रखा गया, एक ही पोस्ट है। काउंसलर एनएचएम 2 पोस्ट है, के यूआर एक एसटी के लिए रिजर्व है, जिसमें पीजी डिग्री मंगा है, लेकिन किस फील्ड में होना चाहिए, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन ऑन मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस, सोशल साइंस मतलब सोशल वर्क, जो एमएसडब्ल्यू करते हैं ना, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसमें पीजी डिग्री होना चाहिए, 12,000 की सैलरी एनएचएम में। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए 31,500 की सैलरी, एक ही पोस्ट रखा गया, इसमें बहुत सारे एमफिल के लिए नहीं, ये सब चीज़ होता है। सेक्रेटरियल स्टाफ, ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, मैं इस पोस्ट में हूँ अभी, ठीक है, तो आप जो है आपके पास सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, पीजीडीसी हो या डीसीए हो, ठीक है, पीजीडीसी हो या डीसीए हो, ये पोस्ट अगर कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंट भी होना चाहिए,
जितना अच्छा खासा परसेंट रहेगा तब काम का होता है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है, 13,500 की सैलरी बनती है। एक ही पोस्ट है यूआर के लिए रिजर्व रखा गया। और एनएम में ये डिपार्टमेंट है, फिर से एनएम का पोस्ट है, तीन पोस्ट है अलग अलग, एसटी एसटी यूआर के लिए रिजर्व है, और 12 पास और एनएम में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, जो नर्सिंग ऑफिसर होता है एक पोस्ट रखा गया सिर्फ एसटी के लिए रिजर्व है। फार्मेसिस्ट का भी पोस्ट है, दो पोस्ट है, देखिए जो फार्मेसी किए हुए हैं, जिन जिन लोगों ने डिग्री या डिप्लोमा किया है फार्मेसी में, तो फार्मेसिस्ट के पोस्ट दो पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक एसटी के लिए रिजर्व है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 16,500 की सैलरी संविदा है, गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और पोस्ट निकला, देखिए इसमें भी आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें बीकॉम वाले को ही लिया जा रहा है, ठीक है, बीकॉम और पीजीडी से होना ज़रूरी है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक मैनेजर, ये बहुत ही बेस्ट होता है, हम जिस फील्ड में हैं वहाँ जो जाते हैं, वहाँ पे हर एक ब्लॉक होता है, जैसे राजनांदगांव जिले में, तो राजनांदगांव जिले में चार ब्लॉक आते हैं, छुरिया, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, घूमका, तो हर एक ब्लॉक में एक अकाउंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, पूरा एक पूरे ब्लॉक को संभालने के लिए एक अकाउंट मैनेजर होते हैं, तो वही है, एक पोस्ट है जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। ये भी देखिए, सेक्रेटरियल असिस्टेंट आईडीएसपी, बहुत अच्छा है ये, इसमें ये डिपार्टमेंट आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट ये एसटी के लिए रिजर्व है। ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा अंतर, जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट होता है वो जिला स्तर पर रखा जाता है, और जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होता है वो ब्लॉक स्तर के लिए पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो एक पोस्ट यूआर के लिए है, 12th पास रखा गया है, और आपके पास डीसी पीजीडी से की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, 12th पास है, अगर कोई डीसी किया है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। जूनियर सेक्रेटरी पीएडीए का भी पोस्ट बहुत अच्छा है, ये एनएचए में पीएडीए लो, ठीक है, जिसमें 6 पोस्ट है, देखिए अलग अलग है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स, तो 12 पोस्ट स्टाफ नर्स है, जिसमें यूआर के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, एसटी एससी के लिए इतना पोस्ट रखा गया, और इसमें देखिए ये बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, पोस्ट बेसिक जो बीएससी नर्सिंग होता है बहुत बड़ा होता है, तो इस तरह आप मेरिट लिस्ट, यहाँ पे सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पर ही जो है आपका पूरा सिलेक्शन होगा। एमपीडब्ल्यू है, जूनियर सेक्रेटरी, फिर से ये देखिए पूरा 12th पास के बेस पे इन्होंने डाल दिया है, जबकि पूरा ग्रेजुएशन बेस पे आता था, लेकिन इन्होंने रायगढ़ वालों ने अपने हिसाब से 12th के आधार पर रखा है। स्टाफ नर्स, देखिए स्टाफ नर्स के 18 पोस्ट है, यूआर के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, और एसटी के लिए 8 पोस्ट है। बीएससी नर्सिंग मंगा गया तो बिल्कुल जिन जिन लोग के पास क्वालिफिकेशन है अप्लाई कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हर ब्लॉक में, ब्लॉक के अंदर में पीएससी होता है, उसके अंतर्गत में और एससी एससी पीएससी होता है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र, आप जगह जगह आपने गाँव में देखते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, वहाँ पर इन सीएचओ की पोस्टिंग होती है। तो जिन लोग जो है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्वालिफिकेशन है उन लोग के पास में, लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 88 पोस्ट निकला, जिसमें से यूआर के लिए 31 पोस्ट है, जिसमें से 9 फीमेल को लेंगे, और एक जो है वो विकलांग जो कोटा आता है उस पे रिजर्व है। और ओबीसी के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं रखा गया है, बट आप ओबीसी कैटेगरी से तो भी से अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी ही लिखना, आपका यूआर से सिलेक्शन होगा आपके मेरिट लिस्ट पे। अगर आप एसटी एससी हैं तो आप 18 और 39 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है, तो जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए। टोटल पोस्ट 211 पोस्ट आया है, जिसमें से यूआर अनुरक्षित के लिए 79 पोस्ट, ओबीसी के लिए 19 पोस्ट है, एसटी एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 85 पोस्ट निकला है। तो कैसे कैसे, और इसको देखिए यहाँ पे पूरा जानकारी दिया रहता है, जो कि ये संविदा होता है, हर साल इसका जो है वो जो परीक्षा, जो जैसे एक साल के लिए, अभी आपको एक ईयर के लिए क्या होगा, ज्वाइनिंग लेंगे, फिर हर साल वो बढ़ते जाता है, संविदा ऐसे ही चलते जाता है स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, हर साल जो है आपके बिहेवियर और जैसे भी आप रखेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और आगे मैं दिखा देता हूँ, पोस्ट ऑफिस से ही करना है, कोई भी गलती मत करना, कोई भी गलती किए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैसे फॉर्म को भरना है वो भी बताऊँगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंड में आता है, क्या हमको पैसा लगेगा, बिल्कुल, आपने वहाँ पे सैलरी देखा है, इसलिए मैं सैलरी बता रहा था, जिन लोग का 25,000 से नीचे की सैलरी है, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये लगेगा, जो 25,000 से कम की सैलरी, जो 25,000 से ऊपर की सैलरी अगर वो एसटी एससी से रिजर्व करते हैं 200 रुपये लगेगा, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या महिला हैं तो आपको जो है 200 रुपये लगेगा, और 25,000 से कम है, 25,000 से ऊपर में 300 रुपये, अनुरक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है,
25,000 की कम सैलरी में, और ऊपर की सैलरी में 400 रुपये। डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक में जाना है, या आप ऑनलाइन भी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है किसके नाम पे होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रायगढ़ नॉन NRHM फंड के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ये जो जैसा पैसा बोला है उसके आधार पे, ठीक है। इस और बनाने के बाद इसके जो मूल प्रति आपको जो मिलेगा डिमांड ड्राफ्ट, उसी को अटैच करना है इस फाइल के साथ में। तो यहाँ पर मैं और बता देता हूँ कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए सिलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस मैं बता दूँ, जैसे किसी में एक पोस्ट है, जैसे 1 से 10 पदों की संख्या जो हमने देखा था उसमें टोटल 10 गुना लोगों को बुलाएंगे, 11 से 50 के बीच में 5 गुना को बुलाएंगे, 51 से अधिक जो पोस्ट नंबर संख्या था ना 1, 2, 3 बहुत सारा, उसमें इतनी इसके हिसाब से बुलाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, सिलेक्शन कैसे होगा बहुत सारे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आपका अनुभव होता है, अगर आपके पास अनुभव है तो पर ईयर का 2 अंक मिलेगा, अधिकतम 5 अंक मिलता है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है मैं थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ, सारा सर्टिफिकेट को आपको अटैच करना है, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका कॉलेज में जो भी परसेंटेज होगा अंतिम सूची में उसका 65% काउंट करेंगे, जैसे आपका मान लो 80% है कॉलेज में फाइनल ईयर में पूरा टोटल मिला के, तो इसका 65% निकाल लीजिए, 80 का 65% वो नंबर आपको क्या करेंगे, इस नंबर पे क्या करेंगे, जैसे मैं बता दूँ 80 का अगर 65% देखें तो 52 नंबर होता है भाई, इसका निकालोगे तो 80 का 52 नंबर ये होगा। अगर आपके पास अनुभव है तो पर ईयर के हिसाब से 2-2, 3-3 नंबर मिला के ऐसे जुड़ते जाएगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे, कौशल परीक्षा के लिए बुलाएंगे, 20 नंबर का कौशल परीक्षा, 20 में ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइपिंग टेस्ट है, जैसे कंप्यूटर वाले हैं जो, तो उस कंप्यूटर 20 में जितना ज़्यादा आप नंबर लाएंगे वो ये जुड़ेगा और टोटल काउंट होके क्या होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस बनाएगा। तो देखिए ये 100 नंबर में जितना ज़्यादा आप नंबर कवरिंग करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो इस तरह सिलेक्शन होता है, अलग अलग फील्ड का में टाइपिंग टेस्ट होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू बुलाते हैं उसके हिसाब से होता है। सारा सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, हर जैसे मैं जब सिलेक्शन हुआ था तो सारा सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं कॉलेज में जैसे कई जितने भी सेमेस्टर हो सारे सेमेस्टर का फोटोकॉपी को अटैच करना है, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम सारा चीज़ में, रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, कंप्यूटर आधार कार्ड सारा चीज़ आपको जो है सबको अटैच करना है, और सब पेज में आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, याद रखना सारे पेज में सिग्नेचर करना जरूरी है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहां से जो है वो आदेश NOC कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसका आपको प्रमाण पत्र भी डालना है जरूरी, जैसे कई कई लोग काम कर रहे हैं CHO के पोस्ट में भी हैं लेकिन कहीं दूसरे जगह अगर जाना चाहते हैं तो वो लोग भी जो है आदेश पे साइन करेंगे। तो ये फॉर्म है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, बहुत ईजी है इस प्रिंट आउट को, यहाँ पे आपको जो भी पासपोर्ट फोटो उसको लगाना है, और फोटो लगाने के बाद में इसमें फ़ोटो के ऊपर से ऐसा सिग्नेचर करना है, याद रखना जो बहुत लोग गलती करते हैं फोटो तो लगा देते हैं सिग्नेचर नहीं करते, यहाँ भी इसलिए स्वहस्ताक्षरित मतलब फ़ोटो पर सिग्नेचर करना है तब सही होगा, अगर नहीं करोगे तो पात्र हो जाओगे। सारा चीज़ दिया, आवेदित प्रत्यक्ष क्रमांक कब है, कब लागू हुआ, आपका क्रमांक कौन सा है, कब आया, पद का नाम, हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ जो बेसिक डिटेल है वही फिल करना है। जो आप DD बनाएंगे ना बैंक से जाकर, तो उस DD का क्रमांक दिया रहता है, दिनांक दिया रहता है, बैंक का नाम किस बैंक से बनाया, जैसे SBI से बनाया तो SBI कितनी राशि बनाया है 200 रुपये, ये सबको लिखना है। सारा आपका 10वीं 12वीं कॉलेज जितने सबका विवरण यहाँ पे देना है, अनुभव तो अनुभव दिए, और लास्ट में जब आपको कुछ भी ऐसे अरेंज नहीं करना है, जितने सर्टिफिकेट होगा उसको इसके हिसाब से अरेंज करना है, पहले 10वीं 12वीं अरेंज करना है, फिर कॉलेज के सभी सेमेस्टर के अटैच करना है, फिर अगर जीवित जो नर्सिंग वाले होते हैं उन लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, हम लोग का रोजगार पंजीयन है उसको अटैच करेंगे, जाति प्रमाण पत्र करना है, निवास प्रमाण पत्र करना है, भूतपूर्व सैनिक है कोई तो उसका अटैच करना है, विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, और बैंक ड्राफ्ट की प्रति, कोई अन्य है तो वो भी, और कुछ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये घोषणा पत्र में सिग्नेचर कर लेना है और अप्लाई कर देना है। CHO पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मेट दिया, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग CHO NHMCG, ठीक है। ये जो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन में जो बैठ रहे हैं उन लोग के लिए इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है, इसको निकाल लीजिए जो फाइनल ईयर में भी हैं वो, और क्या करना है आपको जाके कॉलेज में सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, सारी जानकारी मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे बताते रहता हूँ।